वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था क्योंकि आज 3 दिन बाद हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तितली को देख लीजिए यहाँ पे। हाँ बेटा, आज 21 है ना, तो 17 को हमारा लास्ट ब्लॉग आया था और उसके बाद आज 21 तारीख को ब्लॉग बना रहे। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ देखिए, ये निशा हो गई इधर, और इधर क्या लेके बैठी, जरा निकाली दिखाइए क्या खा रही हैं आप। तितली क्या कर, इसको बाजा बजा रही, तो इसी में लग के खा रहा है। लाए तो प्लेट, लेकिन ये प्लेट ही उलट देती है। अभी हम लोग भुजा ही खा सकते हैं। आइए देखा बेटू का कमर देख लिया, आप लोगों ने 3 दिन से नहीं देखा होगा तितली को। ये क्या है? हाँ दिखा दो दिखा दो, क्या है? हाथी तितली है, पर नाखून कौन? तितली की दादी है इधर, देखो देखो इधर बेटा। वाह तितली, ये अभी क्या करती है? बाप रे, बोल दो। मम्मी बोलना भी सीख गई है। बोल दो तो मम्मी, बोल दो बेटा मम्मी, बोल दो मम्मी, बोल दो अभी नहीं बोले मम्मी, बोल दो। इसका मन नहीं अभी। ये 3 दिन में मम्मी बोलना सीखी, हम लोग भी सुन रहे, एकदम साफ साफ क्लियर कट बोलती है। मम्मी और पापी, मम्मी और पापा बन गया है पापी। पापा, पापा। अब पापी कौन है? कल बोल रही थी मम्मी और मुझे बोल रही थी पापी। तितली तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं भुजा, और भुजा में देखिए क्या क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। फ्राइड चूड़ा है, चना है, मकई है, और ये भी, ये है रहड़ी का भुजा। रहड़ी का भुजा कितने लोग खाया है क्या जी? चना है, बादाम है, बादाम है, रहड़ी का भुजा। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है रहड़ी का भुजा खाना। मतलब मैं नानी घर जब जाता था खूब मिलता था, खूब खाता था रहड़ी का भुजा। और सबसे पसंदीदा है मुझे चिवड़ी, दादी को दे ये वाला चिवड़ी, देसी चिवड़ी। दादी को दे दो, एक एक करके ले जाना। प्लेट भी नहीं है वहाँ तितली। तो गाइस अभी हुआ क्या था, ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे पटीदारी में एक आदमी एक्सपायर कर गया था, मेरी छोटी वाली दादी। और 17 तारीख को एक्सपायर की थी, 17 को रात में एक्सपायर की थी। और उसके बाद से पता है गाइस, हमारे फैमिली में अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है ना, इंसिडेंट या कोई भी चीज़, तो जनरली हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा आई नो वेरी वेल, दूसरे जगह मतलब हमारी जगह कोई दूसरा कोई रहे तो उसके लिए तो कंटेंट हो सकता है क्या जी? हम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, नहीं सोच करते। थोड़ा मन उदास भी था, बट आज 2-3 दिन हो गए तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, भैया क्या हो गया आप ब्लॉग नहीं कर रहे हो। सोचा कि बता दूं आप लोगों को कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया था। हालांकि वो काफ़ी एज्ड हो गई थी मेरे ख्याल से। माँ कितने साल की होगी दादी? 70-80 साल की होगी, 80 साल की है ना? हाँ 70-80 साल की थी। सब का शादी ब्याह कर दी थी अपने बाल बच्चों का। बट यही था कि थोड़ा आदमी दुखी हो जाता है। और मेरे घर खानदान में क्या है ना कि मुझे ही याद है जब पूरी ज्वाइंट फैमिली थी, उसके बाद के जितने भी बच्चे हैं वो सबको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय सभी छोटे थे और मुझे ही थोड़ा बहुत होश था जब मैं पूरे परिवार के साथ रहा हूँ यहाँ पे। जैसे निशा है हमारे परिवार में, मतलब अभी देखा जाए तो निशा पहली ऐसी बहू है जो पूरे परिवार को ज्वाइंट फैमिली के साथ इस तरह से देखी है, और सभी लोग इसको इतना प्यार देते हैं, मानते हैं। क्योंकि इसके बाद जो भी घर में शादी हुई है या होने वाली है, तो अब एक दो अंकल निकल चुके हैं यहाँ से क्या? क्योंकि ये घर बहुत छोटा पड़ जाता है, हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं तो जगह की कमी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए कंजस्टेड हो जाएगा। हमारे लिए तो लगेगा कि होटल जैसा है, रूम 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 रूम। तो अच्छा लगता है, मस्ती होता है, बट जो कोई अगला आएगा ना बाहर से, कोई लड़की, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत सी महसूस होगी। मुझे भी पहले महसूस होती थी, बट अब कैसा एकदम मस्त है। दिक्कत महसूस होती तुमको शुरू शुरू में? क्योंकि एकदम रोड के पास घर है, रात को ट्रक वगैरह जाता था, एकदम हॉर्न बजाते देखिए तो एकदम लगता था कि नींद टूट जाता था। यही तो है, हम लोगों को तो आदत हो गई है। माँ तो कह रही है, क्या हुआ था माँ? निशा के पापा ही देख के किए थे। चार दिन पांच बजे रोई लो, तब पापा तब चाचा कि ना ये बिया हुई। पापा को पता था मैं एडजस्ट कर लूंगी शायद। हाँ पापा को पता। हम कोई कि ना अभी हम शादी नहीं करेंगे तो ना हमारी बेटी रो जाएगी।
ना ना आप लोग झूठ बोले हैं, ये लोग झूठ बोल के शादी करवाए मेरे पापा में कोई दोष नहीं है बेटी रो जाएगी नहीं, ये सब सब मस्ती का बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी मम्मी दादी को भी मम्मी खा रही है। तितली तितली वो दादी है, बोलो दादी। मम्मी मम्मी चिल्ला रही हो तू, मम्मी को है ना, हम लोग मम्मी मम्मी कहते थे, मम्मी पापी पापी पापी, 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 पापी। पढ़लू हो क्या? 3 दिन बाद हम लोग कैमरा उठा। हाँ बेटा क्या हो गया? बट ऐसा कुछ मन ही नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग 10 ऐसे हमारे घर में छुटका होगा क्या माँ? क्योंकि हमारे घर में तो सगाई हुआ है, फिर भी लगेगा ना, लगा ही है मतलब ऑलमोस्ट। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो फॉलो अप हो रहा है, जो भी रूल रेगुलेशन होता है, तो इसमें कहीं ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, मतलब 8 दिन और है ना। वहाँ पे बर्थडे पे नहीं जा सकते हम लोग, बर्थडे पे नहीं जा सकते हैं ना। नहीं जा सकते मम्मी, 31 तारीख को बर्थडे है ना। ओ भाई पहली बार 25 तारीख को बर्थडे था, वो हमको इनवाइट की थी, अब तो लगता है वहाँ पर भी नहीं जा पाएंगे ना। तो कह एक इन्विटेशन आया था प्रिया दीदी के घर से, और बाबू का बर्थडे था। खत्म होगा। ए दीदी कहीं नहीं जा सकते ना माँ? ना बोल कहीं नहीं जाए, कुछ में सारा प्लान कैंसिल। और एक यूट्यूब का कोलकाता में हमारा यूट्यूब का भी एक, देखिए उनको उनको तो उनको बुरा लगेगा हम लोग नहीं जा रहे, बट उनके लिए ही अच्छा होगा, नहीं जाना चाहिए। अब छुटका में तो शुभ काम में जाते नहीं है भाई, लेकिन ये बर्थडे है, फिर भी बच्चे को यही से ब्लेसिंग दे देंगे और क्या, क्योंकि अलग से जाएंगे दीदी के घर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनवाइट की थी और हम लोग जाने जाने जल्दी अलग से हाँ बाद में ही चलेंगे कभी, क्योंकि उस रास्ते से तो हमेशा आना है जाना है हम लोग को क्या, ये भी बात सही है, माता जी सही कह रही है, ये किसके हाथ में है, जो होनी को कोई टाल नहीं सकता है। और दादी से रहा, दादी से बस यही चीज है, दादी को मैं भी छोटा ही था जब दादा लोग मतलब डिवाइड हुआ था, दादा लोग में तो अलग अलग हुए थे, तो मुझे याद है कि दादी बहुत पूजा किया करती थी, बहुत ज़्यादा। वो 12-1 बज जाएगा तब तक उस कोई ऐसा देवी देवता नहीं होगा जिसको नहीं पूजती, बट बहुत कष्ट झेल के वो भी ऊपर गई हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ है, बट यही है मॉरल ऑफ द डे, यही समझ में आता है भैया मरना तो सबको है, अगर पैसा है तो थोड़ा इंसान जैसे हॉस्पिटल में मरोगे क्या, बढ़िया एसी वेसी लगा होगा, और अगर पैसा नहीं है। दादी अपन बहुत अच्छा से मर ली, उनका उतनी बहुत कष्ट मर ली दादी का भी कष्ट, कष्ट तो था ही, ऐसा नहीं कह सकते कष्ट भाई, जब आदमी शरीर बेड पे पड़ जाए तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हाँ एक फिर भी थोड़ा बहुत था रिलीफ की आदमी था उनके साथ, मेडिकल फैसिलिटीज थी सारा कुछ था। बट चलिए कोई नहीं, अब कल से बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ब्लॉग को मैंने शूट किया था कि आप लोगों को बता दूँ, और कल से ब्लॉग फिर से पहले जैसी आने लगेगी, थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा फिर से अच्छे से तितली के साथ। गरीबी से अमीरी होला तो बहुत खुशी, अगर अमीरी से गरीब होता तो बहुत बहुत दुख होता, ये चीज़ें हैं। अगर आदमी नीचे से ऊपर जाता है तो हमेशा एक खुशी रहती है लाइफ में, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आता है ना बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे पहले तो आदमी टूट जाता है भाई इंटरनली। चलिए एनीवे सपोर्टिंग अस, प्यार सपोर्ट करते रहेगा, यही वो रीज़न था जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ रहा था, बट आएगा कल से ब्लॉग आएगा, और बहुत जल्द हम लोगों ने एक अपना एडिटर रख लिया है और वो भी आएगा, तो सास बहू और फिर से हमारी स्टार्ट होगी कहानी माँ के साथ क्या। माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है, माता जी को वीडियो बनाना अच्छा लगता है क्योंकि सबको कहता है बाबा तितली की दादी है, तितली की दादी, माँ जहाँ जाती है लोग इनको पहचान लेते हैं, और क्या कहता है माँ तितली की, आप जो रील बनाती है वो वाला क्या हो गया, दुपट्टा चाहिए दादी का, दुपट्टा से खेल रही है, दादी दुपट्टा से खेल रही है, कौन बनेगा आगे? अच्छा कन्या बन रही है, चलिए गाइस कोई नहीं, बाय बाय, लव यू ऑल।